कुछ और एमसीक्यूज और मैंने लाइव सेशन से ये किया कि थोड़ा मैं चेक करना चाह रहा हूँ, जितने लोग वीडियोस देखे बताएं कि आज कैसा रिजल्ट है। रिकॉर्डेड करके कि हमने सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड इफ एम्पलीट्यूड डिक्रीज बाय 3%। तो याद रखो एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, क्या हो सकती है सिचुएशन। देखिए हमारे पास जैसे जो फार्मूला होता है T=2πL/g, उसमें एल से बोला लेंथ ऑफ पेंडुलम, हमें याद रखे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो जितनी है उतनी रहेगी, यानी चेंज कितनी होगी, जीरो। अर्थ कोई वेव्स को आप दूसरा नाम क्या होता है, इंफ्रासोनिक वेव। फिर कह रहे इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। लाइट अगर पोलराइज हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट। इसका सही जवाब है बच्चों कांस्टेंट। ये वाली दाऊद के टेस्ट में, ये निम्स के टेस्ट में, और ये आई थी नेस के टेस्ट में। जना एमडी के टेस्ट में भी आई भी बता रहा हूँ, फोटोन ऑफ लाइट इंटर्स इंटू ब्लॉक ऑफ ग्लास। क्या कह रहे हैं, फोटोन ऑफ लाइट इंटर्स इंटू ब्लॉक ऑफ ग्लास आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू वैक्यूम, एक वैक्यूम से गुजर के ग्लास में दाखिल हो रही है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑन एंटरिंग द गैस ब्लॉक, यहाँ भी ऑप्शन है इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी यार फोटोन जो है लाइट का ब्लॉक ऑफ ग्लास में आ रहा है वैक्यूम से ट्रेवल होकर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी ग्लास ब्लॉक में, इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन कॉन्स्टेंट। ये भी कॉन्स्टेंट। यार हर चीज, हर सूरज की रोशनी वैक्यूम से स्पेस से ही तो आ रही है, तो कोई तब्दीलियाँ ही नहीं आएंगे, तो ब्लॉक में जाने के बाद कैसे आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू है बच्चों, ये दाऊद एनएडी दोनों में आ चुका है, हैज़र्डस सवाल। बल्कि मुझे याद पड़ता है फास्ट में भी, फिजिक्स रिसेंटली जब इंट्रोड्यूस कराए उसमें भी आए क्वेश्चन है, हाउ मैनी किलो कैलोरीज, हाउ मैनी किलो कैलोरीज ऑफ हीट विल बी डिवेलप, हाउ मैनी किलो कैलोरीज ऑफ हीट विल बी डिवेलप बाय 210 वॉट बल्ब, बाय 210 वॉट बल्ब इन 5 सेकेंड बी डेवलप बाय 210 वॉट बल्ब इन 5 मिनट्स। देखो 210 वॉट बल्ब इन 5 मिनट, टाइम 5 मिनट लिए, पावर दे रहे 210 वॉट, एनर्जी बराबर होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। 210 5 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं 60 से हो जाए 560 300, ये आंसर 6300 आ रहा है जूल्स, अगर जूल्स में पूछा। अगर कैलोरी में पूछा होता तो 4.2 से मैं इसको डिवाइड कर देता, आंसर आ जाता 15,000 कैलोरी। और अगर किलो कैलोरी में पूछा है तो मजीद मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, जो इस सवाल में पूछा गया है, आंसर 15 किलो कैलोरी। कोई और आंसर भी हो सकता था, जी हाँ 63 किलो जूल्स। तो डिपेंड करता है यार कि किस तरह पूछा उन्होंने, अगर किलो कैलोरी में पूछा है तो आंसर 15 किलो कैलोरी, जूल्स में ही पूछा है तो 63,000 जूल्स। एक और बड़े काम की है उसके लिए देखें, ये वेलोसिटी हाइड्रोजन की होती है,
का 0 degree centigrade और 1 atmosphere प्रेशर पे, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये होती है, जब प्रेशर हो 1 atmosphere और टेम्परेचर हो 0 degree centigrade। लोग इसको न्यूमेरिकल के तौर पे सॉल्व करते हैं, जबकि यार ये याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एट 0 degree centigrade और 1 atmosphere इतनी होती है। काइंडली कमेंट्स में बताइएगा कि अब थोड़ा बेहतर है लाइफ से या लाइफ बेहतर है, तो ये काइंडली मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इतना लंबा नहीं।